गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना एग्रीकल्चर साइंस में टॉपिक 9वां चल रहा था, फल उद्यान का प्रबंधन, जिसमें अपन बात कर रहे थे कि फल उद्यान लगाने से पूर्व हमें किन किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए, और इतना बड़ा निवेश किया है तो इसमें अफलन की समस्या भी उत्पन्न होती है, तो इस अफलन की समस्या को दूर कैसे किया जाता है और दूर करने के लिए समस्या के उपाय, तो इसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था पराग वाले फल वृक्ष लगाना, जड़ों की टर्निंग एंड पर्निंग, कांट छांट का कार्य करना, वलय बनाना, फलोद्यान का प्रबंधन करना, उद्यान में परागण की क्रिया संपादित करवाना, और लास्ट एंड फाइनल पादप हार्मोनों का प्रयोग करके अपन अफलन की समस्या का समाधान अपना सकते हैं। आज अपन बात करेंगे फलोद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियंत्रकों का आप प्रयोग करके किस प्रकार से उसमें पुष्पन एवं फलन को प्रेरित कर सकते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के काम में लिए जाते हैं हार्मोन, और उन हार्मोन में है ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिक अम्ल है, वृद्धि निरोधक में जैसे कि यहाँ बात करें अपन इथाइलिन है, इसके अलावा एब्सिसिक अम्ल जैसे कुछ हार्मोन है उसका अपन प्रयोग करके इन फल वृक्षों में फलन एवं पुष्पन की क्रिया को प्रेरित किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन की, जिसमें ये ऑक्सिन है ये एक हार्मोन के रूप में और पीजीआर पादप ग्रोथ रेगुलेटर दोनों के रूप में कार्य संपादित करता है। तो कैसे वो सर, कैसे? यदि प्राकृतिक रूप से पादप में निर्मित होता है तो वो हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है, और कृत्रिम रूप से अपन यदि बाहर से 2,4-D है, NAA है, ठीक है, IBA है, इसका अपन बाहर से यदि पादप को उपलब्ध करवाते हैं और ये बनाए जाते हैं इनसाइड द लेबोरेटरी कंडीशन में, तो वो होते हैं कृत्रिम प्रकार के ऑक्सिन। तो आप यदि प्राकृतिक रूप से बनता है पादपों में स्वतः, तो ऑक्सिन हार्मोन के रूप में काम करेगा, और यदि ये ऑक्सिन अपन कृत्रिम रूप से संश्लेषित करके पादपों में प्रवेशित करवा रहे तो वो हो जाएगा पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो ये दोनों में अंतर है पीजीआर और हार्मोन में। ऑक्सिन पौधों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, प्राकृतिक ऑक्सिन नई पत्तियों एवं ऊपर की कलिकाओं में बनता है, यानी कि सबसे टिप पोर्शन जो पादप को होता है जिसको अपन कहते हैं सिरस्त विभज्योतक उत्तक, उन सिरस्त विभज्योतक उत्तक में ऑक्सिन है वो संश्लेषित होता है, और बाद में ये विभिन्न स्थानों पर क्रिया में भाग लेता है और जगह जगह पर जाता है। इनका प्रयोग पौधों में कोशिका विभाजन में, जड़ों का निर्माण करने में, फूलों एवं फलों को गिरने से रोकने में, फलों को बीज रहित बनाने में, और खरपतवार के नियंत्रण में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये है इसके ऑक्सिन, ठीक है, जिसमें IAA इंडोल एसिटिक अम्ल, NAA नेफ्थलिन एसिटिक अम्ल, IBA इंडोल ब्यूटाइक अम्ल, और 2,4-D 2,4-dichloro-phenoxy एसिटिक अम्ल, जिसमें IAA इंडोल एसिटिक अम्ल जो आपको IAA दिखाई दे रहा है ये आपका प्राकृतिक ऑक्सिन है और आप इसको हार्मोन कहते हैं, लेकिन NAA IBA और 2,4-D जैसे ये PGR के रूप में कहलाएंगे, और PGR क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। उनके बाद आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन है ये पादपों में जिब्रेलिक अम्ल है वो पुष्पन की क्रिया को बढ़ावा देता है। ये पौधों में निर्मित रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों में कोशिका विभाजन के साथ साथ उनका लंबवत आकार बढ़ाने में सहायक होता है। ये फलों का आकार बढ़ाने, फलों को बीज रहित बनाने, बीज एवं कलिकाओं की सुसुप्त अवस्था हटाने में सहायक हैं।
जिब्रेलिक अम्ल एक ऐसा कृत्रिम रसायन है जो जिब्रेलिन के समान ही कार्य करता है। तो ये दूसरा है, कोशिका विभाजन करता है, लंबवत आकार बढ़ाने में सहायक है और फलों को बीज रहित बनाना है, बीज नहीं बनाना है, बीज और कलिकाओं की सुसुप्त अवस्था को हटानी है। तो जिब्रेलिक अम्ल आप यूँ समझ सकते हैं कि कोई बीज हैं और उनकी अंकुरण क्षमता कम है, तो आप जिब्रेलिक अम्ल जो कृत्रिम रूप से बना होता है, जिब्रेलिन से जियाटिन जिसको कहते हैं, से बीजों को उपचारित करके यदि खेत में बोते हैं तो उसकी अंकुरण क्षमता है वो जल्दी जल्दी होती है। ठीक है, तो ये है इसकी थर्ड है साइटोकाइनिंस। साइटोकाइनिंस से सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब है कोशिका विभाजन करवाने वाला रसायन है। ये पौधों में कोशिका विभाजन में सहायक रसायन है। बीज एवं कलिकाओं को सुसुप्तावस्था से हटाने, जड़ों, परों एवं रेशे के निर्माण में सहायक है। काइनेटिन, जिएटिन, 6-बेंजाइल एडिनिन आदि ऐसे प्राकृतिक एवं कृत्रिम रसायन है जिसकी सहायता से पादपों में कोशिका विभाजन की क्रिया संपादित करवाई जा सकती है और बीज और कलिकाओं की डोरमेंसी को हटाने में, जड़ का विकास करने में, सूट एपिकल की डिवीजन में सहायक है, जिसमें काइनेटिन और जिएटिन 6-बेंजाइल एडिनिन, ये काइनेटिन एक प्राकृतिक साइटोकाइंस हैं, बाकी जिएटिन और 6-बेंजाइल एडिनिन कृत्रिम प्रकार के साइटोकाइंस के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगला है वृद्धि निरोधक, और ये वृद्धि निरोधक हार्मोन के नाम से जाना जाता है, एबीई, दैट इज एब्सिसिक अम्ल। और एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, ये पादपों की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, और रोकता क्यों है, और एबीए को अपन स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब पादप में तनाव आता है, स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो उस स्ट्रेस के संदर्भ में ये एबीए सक्रिय होकर के पादप की समस्त उपापचय क्रियाओं को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, वृद्धि को रोकता है। इसीलिए एबीए को इनहिबिटर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का वृद्धि रोधक रसायन है जो पौधों में बीज एवं कलिकाओं की वृद्धि को रोकना, बीज के अंकुरण को रोकना जैसी वृद्धि वाली क्रियाओं में अवरोध पैदा करता है, यानी कि उनकी वृद्धि को रोकता है। और ये पौधों को बोनापन भी उत्पन्न करता है, जैसे एक एग्जांपल है एमएच का मतलब है मैलिक हाइड्रेजाइड, और ये एक ऐसा एबीआ रसायन है जो प्याज के भंडारण में अंकुरण को रोकता है। तो आपने देखा होगा कि प्याज के बड़े बड़े गोदाम होते हैं और उसमें इसका प्याज का है वो भंडारण किया जाता है, तो इसमें एमएच हार्मोन उत्तरदायी है। ये एमएच क्या करता है, उनकी अंकुरण क्षमता को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण इसकी समस्त प्रकार की उपापचय क्रिया रुक जाती है और कोई किसी प्रकार का प्याज खराब नहीं होता। प्याज है, आलू है, लहसुन है, ऐसे। तो ये आपने देखा होगा कि अपने घर पर भी कई जगह पर पड़ा होता है और इसकी जब सीजन आती है तो अंकुरित होकर के उपापचय क्रिया करके सड़ जाते हैं, तो उनसे बचाए रखने के लिए एबीए या वृद्धि निरोधक एमएच मैलिक हाइड्रेजाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इथाइलिन, ये एक गैसियस हार्मोन है जो फलों को पकाने वाले रसायन के नाम से भी जाना जाता है। तो कच्चे फलों को यदि पकाना है तो इथाइलिन का काम में लिया जाता है, और ये इथाइलिन एक गैसियस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं गैसियस हार्मोन। ठीक है, तो ये फलों को पकाने वाली गैस भी कह सकते हैं, और ये गैस के रूप में कार्य करती है तथा बहुत कम सांद्रता में अधिक सक्रिय होता है, यानी कि बहुत ही माइक्रोमोलर या पार्ट्स पर मिलियन में, यदि एक बंद कमरे में आप रख दे तो सुबह रखा या सॉरी रात को बंद कमरे में आपने मान लो केले रख दिए, कच्चे केले, और उसमें आपने 1 ppm या 10 ppm सांद्रता का लेकर के आपने एक कमरे के कोने में सेंटर में रख दिया, तो रात रात में सारे के सारे कमरे में गैसीय अवस्था में फैल जाएगा और आपके केले पक जाएंगे।
तो ये बहुत ही कम सांद्रता से अधिक सक्रिय होता है। ये बेर है, खजूर, चीकू, केला, सिट्रस आदि फलों को पकाने में सहायक है। और ये फलों को पकाने के साथ साथ पौधों की अन्य क्रियाओं में भी उपयोगी है। कृत्रिम रसायन के रूप में ये इथेनॉल और व्यापारिक उत्पादन में एथरेल का उपयोग किया जाता है। और ये मार्केट में कृत्रिम रूप से इथेनॉल के नाम से बिकता है। तो इनका उपयोग एवं फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। अब आता है पादप वृद्धि नियंत्रक PGR का हॉर्टिकल्चर में अपन किस प्रकार से उपयोग करते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।